हम साथ सारा भाई बहना ने और सब किया हो। आज आप एक ब्लॉग डालेंगे क्योंकि गीत पे गा के आप लोग गीत को गा सका, क्योंकि मेरे हस्बैंड के मामा जी एक्सपायर हो गए हैं तो अभी 12 दिन नहीं हुए उनको, तो हम गीत वाला वीडियो नहीं डाल सकते। इसीलिए आजकल मेरा आपको लोकगीत सुनने को नहीं मिल रहा। शादी विवाह का सीजन था इसलिए हमारे परिवार में शादियाँ थी, तो मैंने शादियों के जो वीडियो बनाए वो तो मैंने अपलोड किए हैं, आप सब लोगों ने देख लिए होंगे, कॉमेंट भी किए हैं और आप सब लोगों का मेरे को कोऑपरेट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम गीत नहीं गाएंगे, आपको ब्लॉग दिखाएंगे। ये काजल है जो यहाँ पे ऐसे बैठी है। देखो मैंने पहले आपको वीडियो अपलोड करके दिखाया था, हमारे घर पे बहुत ज़्यादा सोगरी लगी थी तो एक दिन हमारा ये गेट खुला रह गया तो हमारे घर में गाय बढ़ गई, तो सारी सोगरी मेथी मूली पालक ये सब सारा एकदम से चौपट कर दिया। बहुत बड़ी बड़ी पालक थी, बहुत ज़्यादा सोगरी थी, तीन गाय थी, सारे उन्हें सारा कुछ खा लिया। तो ये देखो सुना सुना एकदम से हो गया, ये तीन बूंटे सोगरी के छोड़े हैं हमारे घर में, ये पूरी जगह खाली हो गई। ये देखो सौंफ जो हमारी उगी हुई थी ना, जो हमारे कोई काम नहीं आनी, ये हमारी सौंफ थी, इसको ऊपर ऊपर से खा लिए। और अभी मैं और फ्रेंड्स आपको बताऊं क्या, मेरी एक न्यू हुडी थी जो पापा ने मुझे उसी दिन ला के दी थी और मम्मा ने धोया था क्योंकि उसमें जम्स वगैरह लग गए थे, इसलिए मम्मा ने धोया था और वो भी अपने सींग में डाल के ले गई, फिर मेरी दीदी लाई। फिर मैंने छुटाया उनको, गाय थी वो, उसके खुंटी की तरह उसके सींग में उसकी काजल की हुडी टंग गई। फिर मैंने देखा तो वो गाँव गली की गाय थी, वो भाग गई, फिर इस मेरे को निकाल के लाना पड़ा। अभी शादी ब्याह में हमने बहुत ही ज़्यादा डांस वगैरह किया था तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, कपड़े लत्ते तीन चार दिन हो गए सब धोए हैं। और बीच में ही हमारे मामेर ससुर जी यानी हमारे हस्बैंड के मामा जी एक्सपायर हो गए, तो उनका अभी 1 तारीख को 11वां होगा और 2 तारीख को 12वां, शुक्रवार और शनिवार को, तब हम सबको जाना पड़ेगा। अभी इस मौसम में फागुन के महीने में हमारे आस पड़ोस में सबके झाड़ियाँ हैं, बेर बहुत लगते हैं, हम लोग तो इतने ज़्यादा बेर खाते भी नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बेर लगते हैं। अभी बच्चे कह रहे हैं कि हम यहाँ नोरे में जाएंगे, यहाँ से बेर खाएंगे। हमारे ससुर जी है वो मूली वगैरह पालक सब जगह उगाते रहते हैं। ये देखो हमारे ये ऐसे खाली जगह पड़ी है यहाँ पे, इसमें भी लगा रखी है पापा जी ने, ये झाड़ी है इसके भी बहुत बेर है, अभी बच्चे चुगेंगे। आंधी आती है तो यहाँ गिर जाते हैं बेर, ये देखो बहुत सारे बेर गिरे हैं, अभी बच्चे उठाएंगे। इधर आई मैं भी और मेरे भी यहाँ कांटा लग गया, खाली जगह है तो कांटे वगैरह छड़ी वगैरह पड़ी रहती है यहाँ पे। ये देखो नींबू का पौधा, नींबू का पौधा लगा है, देखो कितना शानदार लगा है, बहुत ही अच्छा। बड़े वाले पहाड़ी नींबू, बड़े वाले नींबू होते हैं वो है, ये नींबू का पौधा है। देखो लत्ती का बेर चुग रही है और अभी किसी ने बोल दिया कि हमको बेर देना, तो ये दोनों लगी हुई हैं बेर उठाने के लिए। और ये देखो भाई साहब दीवार पे बैठा मोर की तरह, गाइस को हाय बोलो बच्चा, उठा लिए बेर। ये दो हैं हमारे घर के बदमाश बच्चे, जो एक तो ऊपर बैठा है ये देखो, और ये कि ये बदमाश, जितनी बदमाशी हितेश करता है तो टारगेट रहता है चिक्कू रानी का कि मैं भी इतनी ही बदमाशी करूंगी, इतनी ही शरारत करूंगी। इन दोनों की होड़ लगी रहती है, जब वो उठते हैं तभी इन दोनों की होड़ लग जाती है कि आज के दिन में कौन कितनी मस्ती करता है, कौन कितनी शरारत करता। और ये शेर लत्ती का कितने सारे बेर लेके आई है, ये खाते बहुत ही कम है, खाते नहीं है बच्चे बेर, लेकिन किसी ने इनको बोल दिया कि हमको बेर देना है तो ये दोनों ने सारे बेर उठा लिए हैं झाड़ी के नीचे। लाल है एकदम, हमारी झाड़ी के है ना जो बेर होते हैं मस्त बेर लगते हैं हमारे झाड़ियों के, एकदम मीठे मीठे। पहले हमारे घर में बहुत सारी झाड़ियाँ थी, अभी हमने निकाल दी है, 2-3 झाड़ियाँ बची हैं। तो आप किस किस को बेर खाने हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी बहन का मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।